भाई बस 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 बहुत खतरनाक है भाई, क्या सोच के लगा दिया यार। ये देख रहे हो भाई, दो रूट्स, पुलिस वाले पकड़ेंगे तो पक्का चलान काटेंगे भाई, पक्का पक्का। कितने का चलान है? 10,000 का। हाँ भाई, 10,000 का चलान है भाई, बच के रहे, बच के निकल जा। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लगाने वाले एक RPM मीटर, वो भी एक मॉडिफाइड एविएटर के अंदर। आज से पहले आपने देखी है या नहीं देखी मुझे नहीं पता, क्योंकि जो भाई ने इसके अंदर काम कर रखा है, भाई लाजवाब वाला काम कर रखा है। तो इसके अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कहीं पर एक ऐसा स्पेस नहीं है जहाँ पर कोई मॉडिफिकेशन नहीं करी गई, यानी कि एयर फिल्टर से लेके हेडलाइट से लेकर टायर वगैरह A to Z है। तो मिलवाता हूँ भाई से कि जिनकी स्कूटी है, जिन्होंने अपनी स्कूटी के अंदर ये काम करा रखा है। तो गाइज, ये हैं स्कूटी के ओनर जिन्होंने अपनी स्कूटी के अंदर एक अलग अलग काम कर रखा है। सबसे पहले भाई अपना नाम बता दो। भाई माय नेम इज नेम कसाना। और अच्छा भाई, ये सब चीजें बताओ तुमने कहाँ कहाँ से सोची इसके अंदर हमने ये लगाना है, मतलब कैसे करा, मतलब ये सब चीजें। भाई आपकी वीडियो देख देख के कुछ सीखा हूँ। अच्छा, मेरी कौन सी वीडियो देख के? एक्टिवा वाली। अच्छा, तो आप भी भाई बहुत अच्छी बेस्ट मोटिवेशन करता हो, कुछ ना कुछ यूनिक नया डालते रहते हो। लेकिन इसलिए आपको लगा कि भाई के पास में जाना चाहिए, भाई भी घर के पास में ही रहता हूँ। कहाँ रहता भाई आप? भाई वहीं रहता हूँ, अम्बेडकर पुलिस के पीछे। ये देखो भाई, पास में ही रहते हैं, लेकिन काफी टाइम बाद में जाके पता चला, वीडियो के अंदर देखा, डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर हमारा शॉप का जो एड्रेस है, तब जाके भाई को पता लगा कि हाँ जी, ये तो मेरे घर के पास में यार, क्यों ना जाके वहीं पे काम करवाया जाए। हाँ भाई बिल्कुल, क्योंकि सोच तो रहे थे भाई इसको कहीं दूसरी जगह लगवाने के लिए, लेकिन सोचा कि भाई टेक्नो भाई हैं तो उनके पास में जाके लगवाते। तो गाइस, ये हम इसके अंदर एक मीटर लगाने वाले, क्योंकि जो कंपनी से जो मीटर आता है उसके अंदर कोई RPM मीटर नहीं होता। तो इसके अंदर सिंपल सा काम होता है गाइस, इसके अंदर RPM आपको दिखाएगा कि, तो इससे ये पता चलेगा कि आपके जो RPM है, आप कितने RPM दे रहे हो अपनी स्कूटी को, कितने नहीं दे रहे हो। एक अच्छा से लुक के लिए, एक स्कूटी को एक मॉडिफाइड लुक देने के लिए भी ये काम आता है। तो आप लोगों को बताता हूँ इसके कनेक्शन है, हम किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले कसाना भाई अपनी जो स्कूटी के अंदर है मॉडिफिकेशन है वो गिनवाएंगे, क्या क्या चीज़ें इन लोगों ने करार रखी है अपने स्कूटी में। तो गाइस, ये है एविएटर जो कि है कसाना भाई की। तो कसाना भाई, सबसे पहले इसके अंदर मॉडिफिकेशन फर्स्ट टाइम आपने कौन सी करी थी? भाई दो इसमें प्रोजेक्टर लैंप लगाए थे हेडलाइट के अंदर। तो गाइस, ये देखो दो प्रोजेक्टर लैंप है इसके अंदर, जो फर्स्ट टाइम मॉडिफिकेशन होती है वो भी टेक्नो भाई की वीडियो से देख के लगाए थे भाई। देखो दो प्रोजेक्टर लगा रखे एक ही हेडलैम्प के अंदर, और इसी के साथ में गाइस इसके अंदर लगा रखे हैं DRLs, वो भी भाई की वीडियो में देखे आपने। और ये देखो एक है इसके अंदर एक स्ट्रिप, इसके अंदर मडगार्ड लगाया हुआ है, और देखो गाइस टेप लगा रखी है इसके टायर के ऊपर, और यहाँ पे कुछ स्टिकर्स वगैरह हैं। और अगर बात करी जाए तो यहाँ पर एक वाइजर लगा रखा है जो कि है FZ गाड़ी का, और अगर पीछे से बात करी जाए तो यहाँ पे एक लद्दाख फ्लैग है। और इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पर लगा हुआ है गाइस एक रेडिएटर जो कि होता है म्यूज़िक सिस्टम के लिए। ये किस काम आता है? तो गाइस, ये म्यूज़िक सिस्टम को एक अच्छी पावर देने के लिए काम आता है। तो इसके अंदर ये शो के लिए लगाया हुआ है, आप ऐसा मत सोचिएगा इसके अंदर कोई एक हंसो म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है भाई। और अगर बात करी जाए गाइस यहाँ पे, तो ये ब्लैक कलर के ऊपर ये येलो स्टिकर और ये वाइट कलर का स्टिकर देख रहे हो भाई, एकदम लाजवाब लग रहा है। और पीछे भी आप देखोगे रिफ्लेक्टिव टेप लगी हुई है अगर इस तरीके से बात करी जाए हमने। तो गाइस यहाँ पर भी एक येलो स्टिकर में देखो भाई, ईट स्लीप और रेस, बढ़िया। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कुछ स्टिकर लगाए हुए भाई ने। तो मतलब गाइस लिटरली बता रहा हूँ भाई, मतलब एक अमेजिंग स्कूटी है भाई ने ये बना रखी है भाई। कैसे कैसे रिएक्शन आते हैं फिर आपके पास में? भाई बंदे देखते रह जाते हैं, देखते तो देखते ही रह जाते हैं, ध्यान कहीं और होता है। बाइक तो करते हैं मॉडिफिकेशन, बाइक के अंदर बंदे करता है, स्कूटी में कुछ न्यू और यूनिक सा। तो आप देख सकते हो गाइस इसके अंदर जो फ्लैशर है वो काम कर रहा है, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा क्योंकि इसके ऊपर स्मोक टेप है। तो आपको ये देखो हल्का हल्का दिख रहा है, और स्कूटी का लुक देख लो गाइस एक बारी पीछे से आप भाई, एकदम खतरनाक वाला लुक है भाई ने बना रखा है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसके अंदर हम लगाने वाले RPM मीटर। तो RPM मीटर की गाइस जो पोजीशन होगी इधर होगी, तो लगाना चाहो तो आप नीचे कहीं पर भी लगा सकते हो, लेकिन ऊपर देखोगे तो ऊपर एक बेस्ट स्पेस इसके लिए मिल जाता है। तो आप लोगों को बताता हूँ, तो सबसे पहले हमने इसका वाइज़र खोलना है, वाइज़र खोलने के बाद में खोलनी हमने इसकी डिग्गी। तो डिग्गी में आप जैसे ही देखोगे एक होती है CDI यूनिट, तो CDI यूनिट के अंदर एक वायर होती है जो कि होती है ब्लैक कलर की, आप लोगों को अभी निकाल के दिखा देता हूँ वो वायर कौन सी है। तो गाइस यहाँ पर होती है एक ST कॉइल लगी हुई, तो इसके अंदर आप देखोगे एक वायर होती है, एक छोटी सी वायर होती है एक ब्लैक कलर की कपलर के साथ में लगी हुई। तो उसके अंदर हमने क्या करना है, एक वायर लेनी है, तो जिसमें कि हमने एक वायर इसमें ऑलरेडी जोड़ दी है। तो उसके अंदर एक वायर लेके आपने लगानी है मीटर के एक ब्लैक और एक रेड स्ट्रिप वाले
वायर के ऊपर, तो अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताता हूँ वो मीटर है किस तरीके से लगने वाला है, और इसी के साथ में इसके अंदर लगे हुए हैं दो रूट के हॉरर, तो एक बार बजाया जाए भाई। ओह है यार भाई भाई भाई, बस बस बस, बहुत खतरनाक है भाई, क्या सोच के लगा दिए यार, ये देख रहे हो भाई दो रूट्स, पुलिस वाले पकड़ेंगे तो पक्का चलान काटेंगे भाई, पक्का पक्का। कितने का चलान है, 10,000 का? हाँ भाई 10,000 का चलान है भाई, बच के रहे, बच के निकल जा। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये हमारे पास में एक RPM मीटर है, तो इसके अंदर दो वायर जो आपको अलग से नजर आती है, ये इसके अंदर की लाइट की वायर है, तो ब्लू है और एक ऑरेंज है, आप इसको साइड में रख के अगर बात करी जाए, इसकी जो मेन वाली वायर है वो है इसके अंदर ग्रीन, ब्लैक एंड येलो और एक फुल ब्लैक, तो ये जो ब्लैक और एक येलो स्ट्रिप वाली वायर देख रहे हो ये हमारी मेन RPM की, जिससे हमारी RPM की जो सुई है वो ऊपर उठेगी, और इसी के साथ में ये जो ब्लैक वाली वायर देख रहे हो ये है इसकी नेगेटिव और ये है इसकी पॉजिटिव, तो इनके कनेक्शन सिंपली कनेक्शन होंगे गाइस, किसी से भी आप अटैच करके लगा सकते हो, इसके कनेक्शन हम करेंगे पार्किंग लाइट से, तो आप एक बार चेकआउट कर लो, मीटर की क्वालिटी बहुत लाजवाब क्वालिटी है इसकी, और इसका एक बारी आपको मैं बॉक्स दिखा देता हूँ, तो KEGE कंपनी है जो जेन्युइन पार्ट है इसका, तो आप बॉक्स भी देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि बॉक्स के हिसाब से इसकी जो क्वालिटी है वो कैसी है और कैसी नहीं है, और ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। तो मीटर ब्रैकेट हमने इस पे लगा दिया एक स्क्रू के साथ में, और यहाँ से देख सकते हो आप, तो यहाँ से दिख रहा होगा आपको 10mm का स्क्रू, तो वहाँ से ऊपर से टाइट हो गया, और फिटिंग देखो एकदम बढ़िया वाली कर दी भाई ने, और ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा लगने के बाद। अब करते हैं इसे कनेक्शन, आप ये मीटर यहाँ माउंट होने के बाद में, अब कनेक्शन आप लोगों को बता ही दिए थे मैंने, फिर भी आप लोगों को एक बार ही बता देता हूँ, ये हो गए हमारी लाइट के जो इसमें लाइट जलेगी मीटर के अंदर, तो ये हमने कनेक्शन कर दिए इस वाले वायर से, तो हेड लाइट के सॉकेट तक है जिसके अंदर प्रोजेक्टर लगे हुए थे, तो प्रोजेक्टर की वायर के अंदर ही हमने लगा दिया नेगेटिव और पॉजिटिव के अंदर, और इसी के साथ में ये लगाया हमारा अर्थ वाला, तो अर्थ वाला वायर है हमारा ये जो आप देख रहे हो ग्रीन कलर का, तो इसी के साथ में गाइस आप लोगों को बता दिया जाए तो ये हमारा इग्निशन का वायर, जो इग्निशन का वायर जा रहा है हमारा इस वाले सॉकेट के अंदर, और इसी के साथ में गाइस यहाँ पर आ रही है अपनी एक जो वायर जो पीछे से आ रही है इस वाली वायर के अंदर, तो यहाँ पर एक ST कॉइल है, तो ST कॉइल से होती हुई वायर गई हमारी इधर, तो इसके अंदर आप लोगों को मैंने पहले बताया था ये ब्लैक पे जो येलो लाइन वाली वायर है ये हमारी है RPM की मेन वायर, तो एक बार आप लोगों को स्टार्ट करके दिखाता हूँ, सबसे पहले चाबी ऑन फिर आप करते हैं स्टार्ट, तो गाइस अपना मीटर है काम कर रहा है, फुल ले दो फुल थ्रॉटल दो, अच्छे से काम हो चुका है भाई। हाँ भाई बोलते हैं ना, एक नंबर। तो अब लगा देते हैं इसकी सारी फिटिंग वगैरह करने के बाद में आप लोगों को दिखाते हैं ये गाड़ी किस तरीके से लग रही है। Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the कसाना भाई क्या कहते हो, दिल खुश हो गया भाई, एक नंबर मजा आ गया भाई एकदम, वीडियो देख लो भाई कितनी मस्त बनी है, कमेंट कर देना लाइक कर देना, बिल्कुल भाई बिल्कुल, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, अगर इसी तरीके का आपको मॉडिफिकेशन करानी है या ये प्रोडक्ट वगैरह बाय करने है तो हमारा ऑनलाइन स्टोर भी है technokhanstore.com, वहां से भी जाके आप ये सब परचेज कर सकते हो, तो इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो टिल देन बाय, और भाई अगली वीडियो एग्जॉस्ट के ऊपर कब आनी है फिर,
आएगी जल्दी आएगी भाई, जल्दी जल्दी आएगी। चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब कर दो भाई, कर दो यार, लाइक कर दो, बहुत सारा क्या कर दो यार आपको। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।